लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा पीरियड्स के दौरान होती है ब्लोटिंग की समस्या, तो अजमाए हमारे ये घरेलू उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। पीरियड्स क्रैम्प्स से लेकर के मूड स्विंग तक, इस दौरान महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पीरियड्स में कई महिलाओं को पेट फूलना और गैस होने की समस्या भी होने लगती है, जिसे पीरियड्स ब्लोटिंग भी कहा जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया में करीब 90% तक महिलाओं को पीरियड्स ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। दरअसल पीरियड्स के दौरान हमारे हार्मोन्स में कई बदलाव होते हैं, जो शरीर में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का कारण बनने लगते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में खराब खान पान भी ब्लोटिंग की समस्या को बढ़ावा दे सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम ऐसे 5 घरेलू उपाय को आपको बताएंगे, जिनके जरिए आप इस समस्या में जल्द से आराम पा सकते हैं। पीरियड्स ब्लोटिंग के लिए असरदार हमारे ये घरेलू उपाय। पहला उपाय है काला नमक और जीरा। पीरियड्स ब्लोटिंग की समस्या से ज़्यादा पानी का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। ऐसे में गुनगुने पानी में काला नमक और जीरा मिलाकर के पानी पीना असरदार साबित हो सकता है। पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए काला नमक और जीरा दोनों फायदेमंद माने जाते हैं। काला नमक खाना पचाने में मदद कर सकता है, तो वहीं जीरे के सेवन से गैस और पेट दर्द की समस्या में आराम मिलता है। इस नुस्खे के लिए गुनगुने पानी में एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी जीरा पाउडर मिला करके सेवन करें। दूसरा हमारा उपाय है कैमोमाइल की चाय का सेवन। कैमोमाइल की चाय पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लोटिंग के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसे कैमोमाइल नामक फूल से तैयार किया जाता है। इस नुस्खे के लिए कैमोमाइल फूल को 1 कप पानी या दूध में उबालें और इसका सेवन घूंट घूंट कर करें। इससे न सिर्फ गैस और अपच से राहत मिलेगी, बल्कि पीरियड्स क्रैम्प्स में भी आराम मिलेगा। हमारा तीसरा उपाय है हल्के फूल के योगा या व्यायाम करें। पीरियड्स के दौरान कई लोग शारीरिक व्यायाम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में उनका खाना पचने में समय लगता है, जो गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान हल्के फूल के व्यायाम करना जरूरी है। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं। चौथा हमारा उपाय है पोटेशियम से भरपूर डाइट लें। पोटेशियम के सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको अक्सर पीरियड्स में ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है, तो पीरियड से पहले पोटेशियम युक्त आहार का सेवन बढ़ा दें। इसके लिए आप केले, पालक, टमाटर, अनार, शकरकंद का सेवन कर सकती हैं। इन चीज़ों के सेवन करने से पीरियड्स में ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी और आपका पाचन भी परफेक्ट रहेगा। हमारा पांचवा उपाय है इन चीज़ों पर लगाएं रोक। पीरियड्स ब्लोटिंग के दौरान फाइबर और पोटेशियम युक्त आहार का सेवन फायदेमंद माना जाता है, लेकिन वहीं कई चीज़ों का सेवन आपकी परेशानी बढ़ाने का कारण बन सकती है। पीरियड्स ब्लोटिंग की समस्या में चाय या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा ना करें।
क्योंकि इससे आपको गैस और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बाहर का तला भुना और ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, क्योंकि इनमें मौजूद रिफाइंड आपके पाचन को नुकसान कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।